वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ हिडन फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी अपने में ही बहुत ही मशहूर है। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एडमिशन लेने की जो जिज्ञासा है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप सोचेंगे कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके मेरा एडमिशन हो जाए। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी ये आपके लिए। और फिर किसी दिन चंडीगढ़ चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी को कवर करूँगा मैं, और फिर उसके सारे डिपार्टमेंट्स और वो सब विजिट भी कराए जाएंगे। तो एडमिशन से पहले आपको सारी बातें बता दी जा रही है, एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट आप पा रहे हैं। तो अब मैं सीधा लिए चलता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। आप विजुलाइज करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है, ये 1882 में एस्टेब्लिश हुआ और ज्वाइंट जब हमारा पाकिस्तान और इंडिया एक साथ था, तो वहां पर लाहौर के अंदर ये हमारा कॉलेज था पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसका जो पुराना नाम है वो ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम दर्ज हुआ, जब पार्टीशन होने के बाद ये यहां पर शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट हुआ तो तब जो इसका जो हेड ऑफिस था वो सोलन के अंदर रखा गया, और उसके बाद इसको इसकी जो क्लासेस थी वो कहाँ कहाँ चलती थी, इसकी क्लासेस चलती थी हमारी अमृतसर के अंदर, जलंधर के अंदर, रोहतक के अंदर और होशियारपुर के सेंटर्सों में इनके सेंटर्स चलते थे और ऑपरेट होता था ये हमारा कहाँ पर, हमारे सोलन में से। जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी रीच करने के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी कौन से रोड के ऊपर स्थित है, ये विद्यापीठ के ऊपर स्थित है, विद्यापाथ भी बोल देते हैं, क्योंकि सारे एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो PGIE है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे वो PEC है या UIT है, सब इसी सड़क के ऊपर ही स्थित है। इसको प्यार से गेड़ी रूट भी बोल देते हैं, गेड़ी मतलब पंजाबी में गेड़ी कहते हैं, जैसे गेड़ी काटना। तो काफी बच्चे जो अपने कॉलेज की लैंग्वेज में पढ़ते हुए ये कहते हैं भाई गेड़ी वाला रूट है ये। तो वैसे तो इसका जो ऑफिशियल नेम है आप समझ रहे हैं क्या है, विद्यापाथ है विद्या, और वैसे इसको गेड़ी रूट भी कहा जाता है। अब इसका सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है ये 500 एकड़ में फैला हुआ है, 500 एकड़ में फैला हुआ है, अपने में ही एक पूरा शहर है जिसके अंदर हर फैसिलिटीज है, मार्केट है, डिस्पेंसरी है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, और पूरी टाउनशिप है, जो प्रोफेसर हैं उनकी पूरी कॉलोनी है, बच्चों के लिए भी रहने का अंदर इंतजाम किया हुआ है, पूरी टाउनशिप कह सकते हैं 500 एकड़ में फैला हुआ टाउनशिप। अब इसमें खूबी में रोज गार्डन भी है और पूरा लश ग्रीन कैंपस है, ग्रीन कैंपस, ऐसा शायद कैंपस आपने और किसी यूनिवर्सिटी का नहीं देखा होगा। जब मैं आपको अभी तो थ्योरेटिकली बता रहा हूं, जब हम प्रैक्टिकली पंजाब यूनिवर्सिटी में चलेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ ही दिन के अंदर अंदर वहां चलकर, तो फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो बच्चे वहां पर इसीलिए मैक्सिमम जो बेस्ट क्राउड है वहीं पर ही मिलता है, चंडीगढ़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट क्राउड आपको मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जिसका अपना पोस्टल स्टैम्प है, ऐसी कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया के अंदर जिसकी अपनी खुद की पहचान हो पोस्टल स्टैम्प के रूप में, इस पंजाब यूनिवर्सिटी की पोस्टल स्टैम्प। इसके बाद हम बात करेंगे, ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, ये है फैक्ट नंबर 3। 1982 में ज्वाइंट क्लासेस मतलब ये था पूरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी, और लाहौर में इसका मेन हेड ऑफिस था। जब पार्टीशन हुआ 1947 में इसका सोलन में मेन हेड ऑफिस था, और टीचिंग सेंटर्स मैंने बताए कि अमृतसर में, जलंधर में, दिल्ली में, होशियारपुर में और रोहतक के अंदर पाया गया। और सबसे बड़ी खूबी जो आपने देखी होगी, हम पंजाब में PUNJAB लिखते हैं,
बट पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, पी ए एन, इसलिए फर्क रखा है क्योंकि जो लाहौर के अंदर जो कॉलेज है उसका नाम पी यू एन से, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नाम पंजाब यूनिवर्सिटी रखा। इसको डिजाइन करने वाले हमारे जो आर्किटेक्ट थे स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट थे पैरी जेनरेट, और इसके गाइडेंस थी हमारे किसकी, लू कॉबियर कॉर्बस, इन्होंने 1956 में इसकी डिजाइनिंग करी। बहुत ही बेहतरीन इसकी स्ट्रक्चर है, इंफ्रा तो हम कहेंगे लाजवाब है, और हमारे जो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट है ये यूनेस्को की जो बिल्डिंग है वो भी इन्होंने ही डिजाइन किए, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये आर्किटेक्चरल व्यू के हिसाब से भी माना जाता है। तो अब आपका मन कर रहा होगा कि हम विजिट करें पंजाब यूनिवर्सिटी, अभी लॉकडाउन खुला हुआ है तो पिछले साल तो लॉकडाउन के कारण बिल्कुल नहीं कर पाए थे, अब जैसे ही आपका एडमिशन होगा तो जैसे ही कॉलेजेस खुलेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ लगेगा। इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो मैंने बताया इसीलिए नाम को हमें चेंज करना पड़ा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, इसके एल्यूमिनीज मतलब पुराने स्टूडेंट्स, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और अब प्रोफेसर भी। इसके अलावा हमारी अभी हाल ही में डेथ हो गई सुषमा स्वराज जी, जो हमारे हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी। किरण बेदी जी यहीं के स्टूडेंट है, एक्ट्रेस किरण खेर जी यहां से हैं, बहुत सारे सिंगर्स, लिस्ट है पूरी, अगर हम बात करने लगे तो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी उसी के ऊपर, तो ये तो हम एक छोटी सी वीडियो इसके बारे में बता रहे हैं, हिडन फैक्ट्स की बात करें। अब हम इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 5 की बात करेंगे कि इसके अंदर सबसे बड़ी जो खूबी है कि इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एक अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन क्या है जो आपको मैं बिल्डिंग दिखाऊंगा साइड पे, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, स्टूडेंट स्टडी और स्टूडेंट काउंसलिंग। हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस हैं स्टूडेंट काउंसिल के हर साल होते हैं, और उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट सेंटर बनाया हुआ है और उसको भी विजिट करेंगे। आसपास बहुत अच्छा क्या कहते हैं पक्का फर्श है, पक्का फर्श होने के कारण स्केटिंग करते हैं, बैठने पूरा भरा रहता है, कोविड के कारण अभी तो खाली मिलेगा लेकिन जब यूनिवर्सिटी चल रही होती है तो एक बहुत ही बेहतरीन हुआ है। इसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 6, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, जैसा पता है डिजाइन्ड है, आप देखने को के लिए तरसेंगे इसको। दूसरा, नौ गर्ल्स हॉस्टल अंदर ही कैंपस के अंदर, प्रोफेसर के तो घर बने हुए हैं, 9 गर्ल्स हॉस्टल है, 8 बॉयज हॉस्टल है, 78 डिपार्टमेंट्स है, और इसमें इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट है जैसे मैंने बताया UIT, और एक हमारा केमिकल इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट इसी कैंपस के अंदर है, स्टार्टिंग के अंदर है। इसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स की तो हम बात नहीं कर पाते, अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी का स्पेशली बॉटनिकल गार्डन है, और बहुत वैरायटी ऑफ कैक्टस लगे हुए हैं, बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष हैं, और बॉटनी के खुद की अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी के अंदर हम बात करें तो 6000 बुक्स है, और जो मेन लाइब्रेरी है उसके अंदर तो बहुत ही लाखों में बुक्स है जिसका लाभ जो है बच्चे पढ़ते हुए उठाते हैं। तो ये सब फैक्ट जो है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, तभी तो इतना क्रेज है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। तो अभी तो मैंने आपको कुछ काफी डिटेल्स आपको बताई, जहां पर आप आ रहे हो पढ़ने के लिए तो आपको उसकी पूरे फैक्ट्स जरूर पता होने चाहिए। इस वीडियो को आपने मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करना है, जिससे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सुगंध है वो फैल जाए पूरे हमारे भारतवर्ष में और हमारे वर्ल्ड में। फैकल्टी तो इतनी बढ़िया है, आप पढ़ के आनंद आ जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज द बेस्ट।
वन ऑफ द सेकेंड बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। इसीलिए तो इतना क्रेज है बार बार ऋषिकेश से, राजस्थान से, गुजरात से, साउथ से, बहुत जगह से फोन्स आते हैं, डेली आते हैं, और मैं इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना वर्क कर रहा हूँ। तो ये मैंने काफी सारे फैक्ट्स आज ढूंढी, मैंने आज इसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज एजुकेट.com। धन्यवाद।